ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी एकदम चटपटी मसालेदार तवा फ्राई वेजिटेबल्स। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में उतनी ही मज़ेदार हैं। हाँ, इसे बनाना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन आप इसे बनाएंगे तो आपको खाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो आइए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनु छाबड़ा, और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूं वो है तवा फ्राई वेजिटेबल। ये बिल्कुल चटपटी और मसालेदार वही सब्जी है जो हमें शादी या पार्टीज में मिलती है। वो भैया जी बैठे होते हैं बड़ा सा तवा लेकर, और हम उन्हें जाकर बोलते हैं कि थोड़ी सी भिंडी, थोड़ी सी अरवी, थोड़ा सा करेला। मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे घर पे ट्राई किया। ये बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में मैं कम तीखी वाली हरी मिर्च ले रही हूँ, कुछ बैंगन लिए हैं मैंने, बेबी पोटैटोस को बॉईल कर लिया है, अरबी को भी मैंने बॉईल किया है, भिंडी को मैंने वॉश करके सेंटर में से कट कर लिया है, करेला मैंने एक रात पहले नमक लगा के कड़वाहट निकाल ली है इसकी और इसे वॉश कर लिया है। मसाले के लिए मैंने 2 अनियन, टमाटर और लहसुन अदरक लिए हैं। सबसे पहले मैं इन सभी सब्जियों को डीप फ्राई करूंगी। डीप फ्राई करने से इन सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। शादियों में तो दोस्तों इसी तरीके से हमें फ्राई करके ही सब्जियां मिलती हैं। अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप स्टर फ्राई भी कर सकते हैं इन्हें, पर डीप फ्राई करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बैंगन को मैंने 2 कट लगा लिए हैं सेंटर में से, और मैं इन्हें भी डीप फ्राई करूँगी। अरबी को मैंने 1/2 कट कर लिया था। इन सभी सब्जियों को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। आप चाहें तो इन्हें पैन में हल्का हल्का ब्राउन कर सकते हैं। करेला और मिर्ची को मैं एक साथ फ्राई कर लूंगी। इसे भी मैंने 1/2 स्लिट किया था बीच में से। अभी ये सब्जियों पे कोई भी फ्लेवर नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक मसाला डालूंगी। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। ये तीखी नहीं होती है, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। इस मसाले को मैं इन सारी सब्जियों के ऊपर स्प्रिंकल करूंगी और एक अच्छे से मिक्स दूंगी इसे। ये सब्जियां अब गल चुकी हैं, इन्हें ऐसे ही खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे बच्चों ने पटेटोस तो इसी तरीके से आधे ख़त्म कर दिए थे, मुझे थोड़े और फ्राई करने पड़े। इस मसाले से इन सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पर अभी हम इसमें एक तड़का मसाला भी लगाएंगे, उससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बिल्कुल शादी जैसी ये सब्जी बनती है। मसाले के लिए मैंने प्याज लहसुन को पीस लिया है और टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची, 2 लौंग हैं और कुछ दालचीनी है। इन्हें आप चाहें तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैं हाथ से इसको थोड़ा दरदरा ही पीस रही हूँ। इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, और जो मसाला पीसा था अभी उसे मैं इसमें डाल दूंगी। इसे लो फ्लेम पर ही मैं 1 मिनट खुशबू आने तक भूनूंगी, और फिर उसके बाद इसमें मैंने जो प्याज पीसे थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें प्याज ऐड करके इसे लाइट ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी, 1-1.5 मिनट तक। इस मसाले को हमें अच्छे से फ्राई करना है फ्रेंड्स। प्याज पूरे ब्राउन होने चाहिए, तभी इस सब्जी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। मैं ये लहसुन अदरक भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और देखिए, ये प्याज थोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं, बट हमें इन्हें और पकाना है, इन्हें अच्छे से ब्राउन करना है। कच्चे प्याज से मसाले का फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं प्याज हमेशा ब्राउन करके ही टमाटर ऐड करती हूँ। बस इसे लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह भूनकर, ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए थे प्याज। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स दूंगी।
और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी बाकी के। सॉल्ट पहले मैंने सब्जियों पर भी स्प्रिंकल किया है, इसलिए मैं अभी सिर्फ आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें और बढ़ा सकते हैं। ये एक टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और एक टीस्पून भरकर मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पर अगर आपको देसी टमाटर मिले जो कि थोड़े खट्टे होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस वक्त मैंने यहाँ अभी किचन किंग मसाला ऐड करा है, ये आप किसी भी ब्रांड का मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी इस मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे कवर करके अच्छे से पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये मसाला घी छोड़ जाए और इसमें अच्छे से फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं। कवर करके पकाने से इसको पकने में इजी होगा काफ़ी। ये देखिए बिल्कुल इस वक्त घी छोड़ चुका है और काफ़ी ड्राई भी हो चुका है। हमें बस कुछ इसी तरह का ड्राई मसाला ही चाहिए। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करके मिक्स करूंगी और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा मेन स्टेप। क्योंकि ये तवा फ्राई वेजिटेबल्स है तो मेरे पास एक बड़ा तवा था, इसलिए मैं इन्हें कुछ इस तरीके से सब्जियों को प्लेस किया है मैंने, और सेंटर में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने दो बड़े चम्मच ये मसाला ऐड किया है। अब ये मसाला इस वक्त थोड़ा, अगर आपको ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिए ताकि ये थोड़ी ग्रेवी का रूप ले ले और सारी सब्जियों पर इजीली कोट हो सके। सबसे पहले मैं करेले को ही मिक्स करूंगी इस मसाले के साथ। अब ये फ्रेंड्स मेरे पास तो तवा है इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास तवा नहीं है तो ये स्टेप आप किसी भी कढ़ाई या पैन में यूज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए तवा ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जब गेस्ट हमारे घर आते हैं तो हम लोग तवा तो उनको नहीं दिखाना है ना हमें। इट्स लाइक नेम कि ये तवा फ्राई वेजिटेबल्स है, बट आप इसे कढ़ाई में भी सेम स्टेप कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल करेले के ऊपर कोट हो गया है मसाला। और ये बिल्कुल रेडी है इस वक्त। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी स्प्रिंकल करूंगी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया था तवे पे और पीस लिया है, हाथ से ही क्रश कर लिया है। बस ये बिल्कुल रेडी हैं सारी सब्जियां। अब इसी तरह मैं सारी सब्जियों को कोट कर लूंगी मसाले में। आप अपने हिसाब से जितना भी मसाला कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। बस आप मसाले को ऐड करते जाइए और सारी सब्जियों को उसमें मिक्स करके ऊपर से कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। आप वो थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर सकते हैं जो हमने पहले बनाया था, चाट मसाला, नमक और कश्मीरी मिर्च का, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये मैं अरबी गोभी मिक्स कर रही हूँ। बैंगन के बीच में भी आप मसाला फिल कर सकते हैं जो हमने कट लगाए थे बैंगन के अंदर। बस बिल्कुल इसी तरह से ये मेरी मिर्च भी रेडी है और ये मैंने सारी सब्जियों को मसाले में कोट कर लिया है। ये देखिए देखने में बिल्कुल उसी तरह की शादी वाली सब्जी लग रही है। बस ये तवा फ्राई वेजिटेबल्स आप गर्मा गर्म पराठे या नान के साथ अपने गेस्ट को सर्व करें और उनसे तारीफ सुनने के लिए रेडी हो जाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।